साथ काम हो रहा है और हम इसी इंशाल्लाह जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। प्रोडक्टिव मीटिंग थी आज, हमने तमाम IPPs की जो जनरेशन कैपेसिटी है उसका स्टॉक लिया, देखा कौन सी कैपेसिटी ज़रूरत है कौन सी नहीं है। हमने कोई 1-1.5 महीने में इसके ऊपर काम भी किया हुआ था, वो टास्क फोर्स के सामने हमारी वजारत के मुख्तलिफ इदारों ने पेश किया, आइंदा की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो बनाई और ख़ास तौर पर इस बात के ऊपर भी गौर किया गया कि पाकिस्तान के अंदर तवानाई के शोबे के अंदर जो पहली मुश्किलात का सामना कर रहा है, एक जानबूझ के एक प्रोपेगेंडा के ज़रिए एक गलत इंप्रेशन भी लोगों को दिया जा रहा है, जिसके तहत मुसलसल कहा जा रहा है कि कीमत ऊपर बढ़ी है। कीमत कल ऊपर पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, रेगुलेटर ने एक फैसला किया है कि जो फ्यूल की चार्जेस की मद में पिछले महीने का चार्ज था वो था 3.33 रुपये, इस महीने का चार्ज 77 पैसे कम था, यानी 2 रुपये कुछ पैसे था। तमाम अखबारात ने और टेलीविजन के ऊपर कल पूरा दिन बैंड बजा गया है कि कीमत 2 रुपये कुछ पैसे का इजाफा हुआ है, कीमत 77 पैसे कम हुई है। कल वजारत तवानाई ने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी दी। हमारी बदकिस्मती है कि मुल्क के अंदर एक नेगेटिव इंप्रेशन के ज़रिए पहले ही मुश्किल हालात को मजीद लोगों की उम्मीद को ख़त्म किया जा रहा है। तो एक प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडा का मैं सख्त हम टास्क फोर्स की तरफ से इसकी ऑब्जेक्ट करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है हमारे इदारों की, हमारी अपनी वजारत के नीचे जो इदारे हैं वो रेगुलेटर जो हैं वो लोगों को सही जो पिक्चर है वो दें। कल पाकिस्तान के अंदर अगस्त के महीने के अंदर बिजली की कीमत पिछले महीने से 77 पैसे फी यूनिट कम हुई है, 2 रुपये कुछ पैसे इजाफा नहीं हुआ। इस बात की भी क्लैरिटी और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो जो हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर भी गौर किया गया। इंशाल्लाह आइंदा चंद हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की आवाम अच्छी खुशखबरियाँ सुनेगी, बहुत तफसील के साथ काम हो रहा है और हम इसी इंशाल्लाह जज्बे के साथ काम करते रहेंगे। तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर तवानाई फैसला कारी की IPPs के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे, इस्लामाबाद में वज़ीर तवानाई IPPs के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।